तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल की तैयार एजुकेशन को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट 7 लेके आए हुए हैं और अब जल्दी से चलते हैं सवाल की ओर। का बीपीसी डॉट डॉट के द्वारा तैयार किया जाता है, तो बीपीसी किसके द्वारा तैयार किया जाता है? गाड़ी परीक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? गाड़ी परीक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है। 152 नंबर सवाल है आपका। BWL वागन का संचालन करते समय इंजन और BWL वागन के बीच डॉट डॉट गार्ड वागन होना चाहिए, कितने गार्ड वागन होना चाहिए? 6 गार्ड वागन होना चाहिए। BWL वागन का संचालन करते समय इंजन और BWL वागन के बीच 6 गार्ड वागन होनी चाहिए। 153 नंबर सवाल है आपका। जो वागन गाड़ी से अलग किए गए हैं उनका विवरण डॉट डॉट रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, तो किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? वागन एक्सचेंज रजिस्टर में। ठीक है, जो वागन गाड़ी से अलग किए गए हैं उनका विवरण कहां दर्ज किया जाता है? वागन एक्सचेंज रजिस्टर में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में डॉट डॉट रोशनी देता है, किस प्रकार का रोशनी देता है? कोई रोशनी नहीं देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि सिग्नल खराब हो तो संबंधित काटा को डॉट डॉट माना जाएगा, क्या माना जाएगा? नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। यदि सिग्नल खराब हो तो संबंधित काटा को नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। 156 नंबर सवाल है। गाड़ी में गर्म धुरा दिखाई देने पर अगले स्टेशन को ब्लॉक यंत्र पर डॉट डॉट घंटी दिया जाएगा, तो कितना घंटी दिया जाएगा? 6 बीट दिया जाएगा, इसके बाद फिर एक विराम दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका। संटिंग के दौरान केबिन मास्टर को केबिन से लाल सिग्नल हटाने के पहले कांटों को डॉट डॉट कर दिया गया है या सुनिश्चित कर लेना चाहिए? क्या कर लेना चाहिए? सेट कर लिया गया है। ठीक है, संटिंग के दौरान केबिन मास्टर को केबिन से लाल सिग्नल हटाने से पहले कांटों को सेट कर दिया गया या सुनिश्चित कर लेना चाहिए। 158 नंबर सवाल आपका। बी क्लास स्टेशन पर गाड़ी को लाइन क्लियर देने के बाद डॉट डॉट सेक्शन में संटिंग की जा सकती है, कहां? स्टेशन सेक्शन में। कहां संटिंग कर सकते हैं? स्टेशन सेक्शन में संटिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका। क्वासा संकेतक खंभा डॉट डॉट सिग्नल से डॉट डॉट की दूरी पर स्थित रहता है जहां डॉट डॉट की व्यवस्था ना हो, तो क्वासा संकेतक खंभा जो है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से, कहां से? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से, सिग्नल से कहां? 270 मीटर की दूरी पर स्थित रहता है जहां डबल डिस्टेंस की व्यवस्था ना हो। क्या कहता है 159 नंबर सवाल? कुहासा संकेतक खंभा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर स्थित रहता है जहां डबल डिस्टेंस की व्यवस्था ना हो। 160 नंबर सवाल है आपका। मल्टीपल स्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप होता है, कितना का होता है? 180 मीटर का होता है। मल्टीपल स्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कितने का होता है? 180 मीटर का होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सिंगल लाइन सेक्शन पर ब्लॉक सेक्शन में संटिंग करने के लिए क्या किया जाता है? ब्लॉक बैक किया जाता है। ठीक है, सिंगल लाइन सेक्शन पर ब्लॉक सेक्शन में संटिंग करने के लिए डॉट डॉट क्या किया जाता है? ब्लॉक बैक किया जाता है। संटिंग का अधिकार पत्र है क्या है? T806। संटिंग का अधिकार पत्र क्या है? T806। आगे चलते हैं। 163 नंबर सवाल है आपका। सहायक नियम डॉट डॉट के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, सहायक नियम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, सहायक नियम प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। 164 नंबर आपका। एक्सेल काउंटर लाइन लेने का एक डॉट डॉट है, क्या है? एक साधन है। एक्सेल काउंटर लाइन लेने का क्या है?
एक साधन है। 165 नंबर सवाल आपका, ब्लॉक उपकरण टेस्टिंग के लिए डॉट डॉट घंटी दिया जाता है, कितना घंटी दिया जाता है? 16 घंटी दिया जाता है। ब्लॉक उपकरण टेस्टिंग के लिए कितना घंटी दिया जाता है? 16 घंटी दिया जाता है। आगे चलते हैं, 166 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2011 में पूर्व के बाद निर्मित पटाखा सिग्नल की आयु डॉट डॉट वर्ष का है, कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का। आगे चलते हैं, नंबर है राउटिंग एक डॉट डॉट प्रकार का सिग्नल है, तो राउटिंग किस प्रकार का सिग्नल है? राउटिंग स्टॉप सिग्नल है, ठीक है। राउटिंग क्या है? एक प्रकार का अप्रोचिंग स्टॉप सिग्नल है। 168 नंबर सवाल है, ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का प्रवेश करने पर ब्लॉक उपकरण पर डॉट डॉट घंटी संकेत दिया जाता है, कितने घंटी संकेत दिया जाता है? 3 बीट दिया जाएगा, ठीक है। ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का प्रवेश करने पर ब्लॉक उपकरण पर 3 घंटी दिया जाएगा। आगे है आपका, रोक सिग्नल खराब होने पर ऑन पोजीशन में पार करने के लिए डॉट डॉट अधिकार पत्र दिया जाता है, क्या दिया जाता है? T369 का 3B, ठीक है। रोक सिग्नल खराब होने पर ऑन पोजीशन में पार करने के लिए T369 का 3B अधिकार पत्र दिया जाता है। 170 नंबर सवाल है, गाड़ी स्टेशन से थ्रू जाते समय केबिन मास्टर को लोको पायलट एवं गार्ड के साथ डॉट डॉट सिग्नल का आदान प्रदान करना चाहिए, कौन सा सिग्नल का आदान प्रदान करना चाहिए? ऑल राइट का सिग्नल। ऑल गाड़ी स्टेशन से थ्रू जाते समय केबिन मास्टर को लोको पायलट एवं गार्ड के साथ ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान करेगा। 171 नंबर सवाल है आपका, केबिन मास्टर डॉट डॉट देखकर सुनिश्चित करता है कि गाड़ी पूरी आ गई है, क्या है ये? ये टेल लैंप है या टेल बोर्ड होगा, ठीक है। केबिन मास्टर टेल लैंप या टेल बोर्ड देखकर सुनिश्चित करता है कि गाड़ी पूरी आ गई है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपका, अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए डॉट डॉट अधिकार पत्र जारी किया जाता है, अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए क्या दिया जाता है? T509 दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? T509 दिया जाता है। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए T509 जारी किया जाता है। 173 नंबर सवाल है आपका, फोन पर गेटमैन उपलब्ध न होने पर लोको पायलट को डॉट डॉट अधिकार पत्र जारी किया जाता है, क्या जारी किया जाता है? कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है, क्या जारी किया जाता है? कॉशन, ठीक है। फोन पर गेटमैन उपलब्ध न होने पर लोको पायलट को कॉशन अधिकार पत्र जारी किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपका, गाड़ी का स्लिप साइडिंग में प्रवेश, गाड़ी का स्लिप साइडिंग में प्रवेश डॉट डॉट प्रकार का दुर्घटना है, किस प्रकार का दुर्घटना है? इंडिकेटिव। गाड़ी का स्लिप साइडिंग में प्रवेश इंडिकेटिव प्रकार का दुर्घटना। 3 हूटर बजने का क्या अर्थ होता है? 3 हूटर बजने का अर्थ होता है स्टेशन पर ART की जरूरत। 3 हूटर बजने का क्या अर्थ होता है? बाहरी स्टेशन पर ART की जरूरत। तो दोस्तों एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं, BPC गाड़ी परीक्षक द्वारा, BPC किसके द्वारा? गाड़ी परीक्षक द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद BWL वागन का संचालन करते समय इंजन और BWL वागन के बीच 6 गार्ड वागन होना चाहिए, जो वागन गाड़ी से अलग किए गए हैं उनका विवरण वागन एक्सचेंज रजिस्टर पे होना चाहिए। बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कोई रोशनी नहीं देता है, यदि सिग्नल खराब हो तो पॉइंट को नॉन इंटरलॉक माना जाएगा। गाड़ी में गर्म धुरा दिखाई देने पर अगले स्टेशन को ब्लॉक यंत्र पर 6 घंटी तथा 1 विराम घंटी देनी चाहिए। संटिंग के दौरान केबिन मास्टर को केबिन से लाल सिग्नल हटाने से पहले कांटों को सेट कर लिया गया है यह सुनिश्चित करना चाहिए। बी क्लास स्टेशन पर गाड़ी को लाइन क्लियर देने के बाद स्टेशन सेक्शन में संटिंग की जा सकती है। कुहासा संकेतक खंभा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से कुहासा संकेतक खंभा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगाए जाने चाहिए, और कहां लगाया जाता है? जहां डबल डिस्टेंस की व्यवस्था नहीं होता है, जहां डबल डिस्टेंस की व्यवस्था होता है वहां कुहासा संकेतक खंभा नहीं लगाया जाता है। 160 नंबर है आपका, मल्टीपल स्पैक सिग्नलिंग व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर का होता है। आगे चलते हैं,
सिंगल लाइन सेक्शन पर ब्लॉक सेक्शन में संटिंग करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लॉक बैक किया जाता है। संटिंग का अधिकार पत्र T-806 है। सहायक नियम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। एक्सेल काउंटर लाइन लेने का एक साधन है। ब्लॉक उपकरण टेस्टिंग के लिए 6 बिट दिया जाता है। अक्टूबर 2011 में पूर्व के बाद निर्मित पटाखा सिग्नल की आयु 7 वर्ष का होता है। राउटिंग एक अप्रोचिंग स्टॉप सिग्नल है। ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का प्रवेश करने पर ब्लॉक उपकरण पर 3 बिट दिया जाता है। रोक सिग्नल खराब होने पर ऑन पोजीशन पर पार करने के लिए T-369 का 3 बिट दिया जाता है। गाड़ी स्टेशन से थ्रू जाते समय केबिन मास्टर को लोको पायलट एवं गार्ड के साथ ऑल राइट सिग्नल आदान प्रदान करेगा। केबिन मास्टर टेल लैंप या टेल बोर्ड देखकर सुनिश्चित करता है कि गाड़ी पूरी आ गई है। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए T-509 का प्रयोग किया जाता है। फोन पर गेटमैन उपलब्ध न होने पर लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, T-409 दिया जाता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है, आपसे विदा चाहिए, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अंत में